हम एप्लीकेशन पे थे और आज हम वर्क फ्लो कैसे बनाते हैं। फॉर्म बनाना हमने देख लिया था कि हम एक नया एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, उसके अंदर फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म के अंदर कौन कौन से फील्ड्स होते हैं हमारे पास, वो सब हम कर चुके हैं। अभी हम सपोज करते हैं आज हम एक वर्क फ्लो बनाएंगे। डेमोस के नाम से एक फॉर्म हमने बनाया था। सपोज मैंने इसे खोल लिया है, यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे है फुल नेम का एक फील्ड है, मैं यहाँ पे एक और ले लेती हूँ, या मैं इसकी जगह स्टेटस ले लेती हूँ। ड्रॉप डाउन स्टेटस, एक्टिव, इनएक्टिव। अब मैं इस स्टेटस को हाइड करना, अभी मेरे को ये इस पे विजिबल होगा डेवलपमेंट पे, जब मैं इसका एप्लीकेशन देखूंगी तो। अभी मुझे क्या है, डेमोस पे स्टेटस विजिबल है, एक्टिव और इनएक्टिव। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं स्टेटस को ना दिखाऊं, सिर्फ मैं इसकी रिपोर्ट में दिखाना चाहती हूँ। रिपोर्ट से पहले मुझे इसमें मैंडेटरी फील्ड है क्या क्या, सीट्स। सपोज मैं एक डेटा एंटर कर देती हूँ यहाँ पे, कल की डेट ले ली है मैंने, जो जो मैंडेटरी है मैंने वो फिल किया है बस। उसके बाद यहाँ से मैंने पिक सीट ले ली, एक्टिव करके इसको सबमिट कर दिया। अगर मैं इसका रिपोर्ट देखूँ तो यहाँ पे मुझे स्टेटस शो हो रहा है एक्टिव है। बाय डिफॉल्ट मैं इसको एक्टिव कर दूंगी, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। अब मैं चाहती हूँ ये जो इस फॉर्म में स्टेटस ना दिखे, तो आज हम पहला वर्क फ्लो लिखेंगे जिसमें हम फील्ड को हाइड करेंगे एक फॉर्म में से। यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं हमारे पास, डिजाइन है, वर्क फ्लो है और सेटिंग है। वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे हम। वर्क फ्लो के बाद मेरे को कौन से फॉर्म में लिखना है, सपोज मेरे को डेमो में लिखना है, तो मैं यहाँ से भी वर्क फ्लो क्रिएट कर सकती हूँ, नहीं तो न्यू वर्क फ्लो पे जाएंगे। न्यू वर्क फ्लो में चूज फॉर्म, फॉर्म का नेम, मेरे पास दो फॉर्म बने हुए हैं तो मेरे को डेमो वाले फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास, क्रिएट यानी कि जब हम फॉर्म बना रहे हैं सिर्फ तब हमें चेंजेस करने हैं, या कोई फंक्शन या कोई कोड लिखना है, या फिर एडिट यानी कि एक रिकॉर्ड जब मैंने एंटर कर दिया, सपोज ये मेरे पास रिकॉर्ड है, अब मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ, या फिर मैं इस एडिट पे कोई फंक्शन काम करना चाहती हूँ, तो मैं एडिट पे लिखूंगी। अगर मुझे क्रिएट एडिट दोनों पे लिखना है तो मैं दोनों लेके चलूंगी, डिलीट पे लिखना है तो मैं डिलीट लेके चलूंगी। ठीक है, अभी मैं क्रिएट एडिट दोनों पे लिखती हूँ, मैं क्रिएट पे लिखूंगी बस, क्रिएट पे लिखूंगी। जो स्टेटस है ये वाला स्टेटस, ये हाइड हो जाएगा, लेकिन जब मैं इस रिकॉर्ड को एडिट करूंगी तो वो स्टेटस शो होगा मुझे। अब यहाँ से आता है कि हम किस पे एक्शन कराना चाहते हैं, या तो मैं फील्ड रूल यानी कि किसी फील्ड के, फील्ड रूल मतलब कंडीशन बेस है, ठीक है,
ग्रेटर देन स्मॉलर देन उस पे काम कराना चाहती हूँ. लोड ऑफ फॉर्म क्या है, जैसे फॉर्म ओपन हो रहा है, जैसे फॉर्म ओपन होगा, सॉरी जैसे ही फॉर्म ओपन होगा तब मुझे कुछ कराना है. जैसे अब मैं ये जो हाइड कराना चाहती हूँ, जैसे ही मैं फॉर्म को ओपन करूँ तब ये हाइड रहे, तो मैं लोड ऑफ द फॉर्म पे करा रहा हूँ जब मेरा फॉर्म लोड हो रहा है. अब यूज़र इनपुट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिव स्टेटस सेलेक्ट किया तो इस एक्टिव के बिहाफ पे मुझे ये सीट दिखाई दे जाए, तो मतलब मैं कोई एक्शन परफॉर्म करूँगी किस फील्ड पे तब मुझे वो वर्क करे, तो वो मैं यूज़र इनपुट पे करूँगी. एडिशन रो और डिलीशन रो का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे मैं रो ऐड कर रही हूँ, ये मल्टीपल रोज यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, इस पे मैं कुछ करना चाहती हूँ, कोई फंक्शन लिखना चाहती हूँ कि जैसे रो ऐड हो रही है तो यहाँ पे जैसे सपोज अगर मैं कैलकुलेशन करा रही हूँ तो वो टोटल हो जाए. डिलीट पे होता है कि लाइक मैं जब रो डिलीट कर रही हूँ तो इतना कैलकुलेशन माइनस हो जाए, ठीक है. और वैलिडेशन फॉर्म सबमिशन का है कि जब फॉर्म सबमिट होने के लिए हो उससे पहले, सबमिशन से पहले वैलिडेट कर ले हम वो वक्त, मतलब तो उस पर लिखते हैं कि मतलब जैसे मैंने फॉर्म यहाँ सबमिट कर दिया, सब मैंडेटरी फील्ड अगर मैंने भर दिया, अगर कुछ रह गया है तो वो अलर्ट दे देता है कि आपको पहले मैंडेटरी फील्ड भरना है, या फिर मैंने कोई कंडीशन दे दी है कि अगर मेरा 10 से ज़्यादा वैल्यू है तो ले, नहीं तो नहीं ले, तो वो वैलिडेशन पे चेक करने के लिए हम वैलिडेशन लगाते हैं. और सक्सेस फॉर्म सबमिशन है यानी कि जब मैं फॉर्म सबमिट कर रही हूँ, सपोज मैंने ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया, मैं चाहती हूँ ये वाला डेटा मेरा क्या हो, सीट वाले में भी चला जाए, तो मैं आज सबमिशन प्लान की एक साथ दो दो चीज़ें, दो वर्क हो जाए मेरे लिए, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं. तो ये इतने मतलब कैटेगराइज कर दिए हैं कि वर्क फ्लो हम किस किस में लिख सकते हैं. बेसिकली हमारे पास चार क्रड ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, तो हम उसी के बिहाफ पे ही सारी चीज़ें करते हैं. तो अभी हमें करना है लोड ऑफ द फॉर्म, ये रहा हाइड फील्ड, हाइड स्टेटस कर देते हैं. ये मेरे पास ऐड न्यू एक्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी मेरे पास एक एनवायरनमेंट आ जाएगा. अब ये क्या है, डेमो वाला फॉर्म है, क्रिएट पे चेंज हो रहा है, लोड ऑफ द फॉर्म मतलब क्रिएट पे वर्क करेगा, लोड ऑफ द फॉर्म यानी कि जब जैसे ही फॉर्म लोड होगा तब वर्क करेगा, और क्या वर्क करेगा वो तो वेरिएबल है, हम कोई भी नाम दे सकते हैं. तो हाइड स्टेटस को हाइड मतलब कि स्टेटस को हम हाइड कर रहे हैं, तो किसी को भी हाइड करने का जो मतलब हमारे पास इसमें कह सकते हैं हाइड एक हमारे पास फंक्शन है इसमें, तो हमें सीधे हाइड लिखना है. जैसे एंटर, वैसे तो यहाँ पे हिंट में ये दे देता है, तो अभी मुझे स्टेटस हाइड करना है, लास्ट में सेमी कॉलम लगाना है. सेव कर दिया, अभी यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ. अब मेरे को यहाँ पे स्टेटस नहीं दिखेगा, हाइड हो गया है वो. ऐसे ही मैं अगर पिकलेस पिक सीट को करना चाहती हूँ तो हाइड पिक, ठीक है. जो भी मुझे लोड ऑफ द फॉर्म पे हाइड करना है, मैं सिर्फ हाइड कीवर्ड मतलब हाइड जो इनका स्टैंडर्ड फंक्शन है, सफा कर लिया मैंने. देखो ये एक सब फॉर्म है और पिक योर सीट एक बिगिन, इसकी वैल्यू हमें बहुत देख के एंटर करनी पड़ेगी. हाइड हो गया, अगर पूरा पूरा सेक्शन हाइड करना हो तो पूरा पूरा सेक्शन भी हाइड कर सकते हैं हम. सेक्शन का नाम है सेक्शन, देख लेते हैं हो गया और तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, चेक कर लेते हैं.
जो भी इसका लिंक नेम होगा हम वो ही लेके चलेंगे। सेक्शन का नाम है सेक्शन 1। अगर मैं इसको सेक्शन 1 करूँगी तो मेरा, अभी मैं इसको हटा देती हूँ, सपोज मैंने कमेंट कर दिया है, पूरा सेक्शन हाइड हो गया। मैंने बाकी तो कुछ हाइड नहीं किया, सिर्फ एक सेक्शन किया है, और सेक्शन के अंदर मेरा स्टेटस है और पिक्सेट है। तो अगर सपोज हमें एक सिंगल वर्ड करना है तो हम सिंगल कर सकते हैं, पूरा सेक्शन हाइड करना है पूरा सेक्शन कर सकते हैं, पूरा सब फॉर्म करना है तो पूरा सब फॉर्म भी कर सकते हैं। डन है। हाइड में कोई प्रॉब्लम है? अब हाइट की जगह सेम है, अगर मैं शो कराना चाहूँ, अभी ये तो मैंने हाइट करा दिया, ठीक है, अभी हम इसको लेके चलते हैं। अभी मैंने क्या किया है, ये सिर्फ क्रिएट पे हाइट किया है, इसका मतलब जब मैं रिकॉर्ड को एडिट करूँगी तब मुझे दिखने चाहिए ये सब। तो मैं काम करती हूँ, जैसे ये है मेरे पास, अभी सेक्शन नहीं दिख रहा है, मैंने एक रिकॉर्ड एंटर किया था, ये यहाँ पे अगर मैं इसको एडिट करती हूँ तो ये मुझे दिखेगा, नीचे विजिबल है। अगर मैं इसको क्रिएट और हाई, मतलब क्रिएट और एडिट दोनों पे लगाती तो जैसे मैं यहाँ पे एडिट कर रही हूँ तो मुझे वो एडिट पे भी नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। अब रिकॉर्ड फ्लो लिखते हैं, शो वाला, इस ड्रॉप डाउन पे लिखती हूँ मैं। जैसे ही हम चॉइस 1 करें तो ये वाले चेकबॉक्स हमें दिख जाएं, ठीक है। ड्रॉप डाउन पे लगाएंगे, अब हम वर्कफ्लो पे गए, न्यू वर्कफ्लो क्रिएट किया, फॉर्म कौन सा हमारा, पिक योर सीट, क्रिएट और एडिट दोनों पे लगाएंगे, यूजर इनपुट लगाएंगे। अब क्या हो रहा है, मैं ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, इनपुट ले रही हूँ मैं यूजर से, यहाँ पे मैं एक ना एक इनपुट ले रही हूँ, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, यूजर इनपुट फील्ड लेंगे, उसके बाद इसी वाले फॉर्म के क्या होंगे, फील्ड्स आ जाएंगे कि किस उस पे आपको इनपुट लेने के बाद आप चीजें चेंज कर रहे हो। अभी ले लेते हैं ऑन क्लिक ड्रॉप डाउन, एड न्यू किया। आप यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगी, इफ इफ लिख के एंटर करोगे पूरा, या फिर यहाँ से भी मतलब हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इफ ड्रॉप डाउन इक्वल इक्वल, हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इसकी वैल्यू, स्पेस 1 है। अगर ये होगा, यानी कि इफ ड्रॉप डाउन चॉइस 1 होगा तो शो क्या करना है, इसको सेलेक्ट सीट देख लेते, चेक बॉक्स, ठीक है।
अगर मैंने इफ कंडीशन लगाई है, इससे पहले एक वर्क फ्लो और लिखेंगे हम, वो किस लिए लिखेंगे? मैं इसको हाइड कर दूंगी, ऑन लोड पे मैं इसको हाइड करूंगी। जैसे ही मैं चॉइस वन सेलेक्ट करूंगी, उसके क्लिक पे मुझे ये विजिबल होना चाहिए, तो लोड ऑफ द फॉर्म पे क्या करूंगी, मैं इसको हाइड करूंगी, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ एल्स हाइड चेकबॉक्स। वी चेक कर लेते हैं। चेकबॉक्स मेरा नॉर्मल चेकबॉक्स जा रहा है, इसकी वैल्यू नहीं जा रही है, तो हम इसकी जगह कोई फील्ड ले लेते हैं, ठीक है? इसकी जगह ले लेते हैं अबाउट योर सेल्फ, और क्या है अबाउट, तो अभी मेरे ये वाली वैल्यू इसके सिलेक्शन पे जानी चाहिए, चॉइस के सिलेक्शन पे। ये चली गई, मैंने एल्स में लिखा है, यानी कि मैंने ऑन लोड पे अभी वो फंक्शन नहीं लिखा है कि मैं फॉर्म को लोड करूंगी तो वो हाइड हो जाए, मैंने एल्स में लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको अभी चॉइस वन करूँगी तो ये विजिबल होगा, अगर चॉइस टू करूँगी तो विजिबल नहीं होगा, अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे पहले हमें ऑन लोड पे ये वाला हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म लोड करते हुए अबाउट योर सेल्फ आ रहा है, और वो हम तब करते हैं जैसे अभी मैंने एक ड्रॉप डाउन दिया है अब, और मैंने उसमें वैल्यू एंटर करवाई है, दिया एजुकेशन दे दी, ठीक है? एजुकेशन में मैंने MBA MCA और MA दे दिया है, और अदर दे दिया है। अब जैसे ही कोई अदर पे क्लिक करेगा, एक नीचे चेक बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि अदर तो फिर वो लिखेगा ना उसने अदर क्या कोर्स किया है। अभी हम क्या करते हैं, एक इसको ऑनलोड पे हाइड और कर देते हैं, न्यू वर्क फ्लो बनाएंगे, क्रिएट और एडिट पे बनाएंगे, पिक योर सीट पे ही कर रहे हैं हम वर्क, लोड ऑफ द फॉर्म पे करेंगे हाइट, हाइट क्या कर रहे हैं अबाउट, सिंपल करना है, हाइट यूज किया, अबाउट योर सेल्फ सेव डन, रिफ्रेश करूंगे, अबाउट योर सेल्फ अब ऑन लोड पे भी नहीं दिखाई देगा, यानी कि जब मेरा फॉर्म फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तब भी ये हाइड हो गया यहाँ से, ठीक है? अब मैं जब यहाँ पे चॉइस वन सेलेक्ट करूंगी तो मेरे को ये विजिबल होगा, और अगर मैं चॉइस टू सेलेक्ट करूंगी तो वो होगा, क्योंकि मैंने एल्स की कंडीशन में उसको हाइड कर दिया है, कि अगर चॉइस वन होगा तभी शो हो, नहीं तो ये हाइड रहे। इफ एल्स की कंडीशन में ये होता है, या तो ये हो नहीं तो ये होगा ही होगा। इस कंडीशन में कोई डाउट है? ठीक है, देखो ये, हाँ मैं बताती हूँ, जैसे इफ एल्स की जो हमारे पास कंडीशंस होती है ना, इसको हम लिखते ऐसे ही हैं इफ, उसके बाद वैसे तो अगर आप इस पे वर्क करोगे ना तो एंटर करोगे तो ये पूरा पैटर्न दे देता है, उसके बाद वैल्यू आपको बता देगा कि आपको किस पे लगाना है। लेकिन अगर आपको ये लिखनी पड़े कंडीशन, तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट करना है, क्लोज करना है, ब्रैकेट के अंदर इफ के अंदर क्या होगा, जैसे कि आपको ड्रॉप डाउन है या फिर कॉलेज है, जिस भी फील्ड पे आपको वो एक्शन परफॉर्म कराना है, जैसे ये ड्रॉप डाउन फील्ड था मेरा एक, इस पे मुझे एक्शन परफॉर्म कराना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिया है, सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिया। अब ये ड्रॉप डाउन जो है, यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन है, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मेरे प्री डिफाइंड है, कि मतलब ये इनमें से ही यूजर सेलेक्ट करेगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं कर सकता कोई। तो अगर वो ये सेलेक्ट करता है चॉइस वन, तो इक्वल 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 का मतलब है
वो चॉइस वन के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं चॉइस वन के इक्वल इसको रखती हूँ तो क्या होगा? ठीक है, ड्रॉप डाउन, अगर इफ का मतलब है अगर, अगर उसने ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन मेरा एक फील्ड है, फील्ड क्या मतलब लेबल है, लेबल नेम है, ठीक है, उसको चॉइस वन किया है तो मेरा अबाउट योर सेल्फ क्या हो, शो हो जाए। पर इसको फंक्शन को लिखने, जब हम ये फंक्शन, ये इफ हमारा ना फंक्शन है, इसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, मतलब जो भी हमें इसके इनपुट पे परफॉर्म कराना है वो हम इसके अंदर लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर। ये समझ में आया इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करा रही हूँ, जब ड्रॉप डाउन मेरा चॉइस वन होगा, यानी कि कोई भी यूजर, मैं हूँ या कोई भी है, जब भी वो चॉइस वन सेलेक्ट करे तो शो क्या कर दे, अबाउट योर सेल्फ वाला फील्ड मुझे शो कर दे। अबाउट योर सेल्फ ये है, हम इस पे ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ इनपुट लेने के हैं यूजर से, जो हम गेट करते हैं इनपुट, ठीक। उसके बाद एल्स, यानी कि इफ, अगर ऐसा है, देखो इफ क्या है मतलब अगर ड्रॉप डाउन चॉइस वन के इक्वल है तो, नहीं तो, एल्स में क्या है, नहीं तो, बाकी सब में वो हाइड कर दे उसे। क्लियर हुआ? अब इफ एल्स की कंडीशन में क्या होता है, इसमें ना हम वैसे नेस्टेड इफ वगैरह में भी आते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इफ एल्स में ये होता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा तो होना ही होना है। अगर मैं, मेरे मार्क्स अच्छे आए तो मैं पास होंगी, नहीं तो मैं फेल पक्की होंगी ही होंगी, ठीक है ना। तो अभी ड्रॉप डाउन में चॉइस वन पे लिख दिया, अब सपोज मुझे चॉइस टू पे भी लिखना हो तो फिर से इफ लगाते हैं। इफ ड्रॉप डाउन इक्वल इक्वल, ट्वाइस टू, उस केस में हम क्या करवाएंगे, डेट को हाइड कर देते हैं, शो डेट, डेट फिर एल्स, हाइड डेट फील्ड। अभी, अब मैंने ये तो कर दिया, उससे पहले मुझे क्या करना होगा, इसके ऑनलोड पे डेट को हाइड करना होगा। अब ये मैं उसी फॉर्म में कर रही हूँ, देखो ऑनलोड पे तो यही चलेगा ना, फॉर्म भी सेम है, क्रिएट एडिट पे कर रही हूँ, लोड ऑफ द फॉर्म हाइड अबाउट, यानी कि यही वाले फॉर्म को लोड करें तो मुझे दूसरा वर्क फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में कितने भी हाइड कर सकती हूँ एक ही फॉर्म पे। जब मैं इसमें अबाउट योर, अबाउट अबाउट योर सेल्फ को हाइड किया है मैंने, तो मैं इस डेट फील्ड को भी वहीं से हाइड कर सकती हूँ, तो मैंने इसी फॉर्म में कर दिया ये, ठीक है। अब जब मैं चॉइस वन को यहाँ पे डिस्प्ले करा रही हूँ तो मैं चॉइस टू को भी करा सकती हूँ, क्योंकि ड्रॉप डाउन फील्ड तो एक ही है जो मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ, क्रिएट एडिट पे ही कर रही हूँ। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, रन करा के देखती हूँ। अब मेरा डेट फील्ड भी हाइड है यहाँ से, अबाउट योर सेल्फ भी हाइड है। अब इसके पहले चॉइस पे तो अबाउट योर सेल्फ आएगा और दूसरे चॉइस पे डेट डेट डिस्प्ले होगी हमारी। पहले डेट देख लेते हैं, डेट ये आ गई। अगर मैं इससे ये तीसरा कर दूं तो वो चली गई, अगर मैं पहला कर देती हूँ तो अबाउट योर सेल्फ आ गया। तो ये हम उस केस में करते हैं, सपोज किसी ने ग्रेजुएशन डाली है, एजुकेशन डाली BCA, BCA के बाद BCA के बिहाफ पे क्या करती हूँ मैं, उसकी मास्टर डिग्री शो डिस्प्ले करा देती हूँ। BCA के बाद उसने मास्टर्स किस किस में किया, MCA किया है या IT सेक्टर से कुछ किया है। अब मैं उसको सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकती, इसलिए हम यूजर के चीज़ें चेंज करते हैं। तो इफ एल्स की कंडीशन समझ में आ गई?
हाइट शो समझ में आ गया। तो आज ना पहले मेन हमारे पास यही है, क्योंकि हम इफ एल्स में ही ज्यादातर खेलते हैं और एक फॉर ईच लूप में खेलते हैं, तो हम इसको ही 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे इफ एल्स को, ताकि एकदम क्लियर हो जाए, फिर डाउटिंग ना रहे हमें किसी भी चीज की। हाइड करेंगे ऑन लोड पे, हाइड करेंगे और यूजर के इनपुट पे शो और हाइड करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे और हाइड करेंगे। ठीक है, इस पे कोई वो बना के फॉर्म बनाया था आपने? ठीक है, एक बार ना करके, क्योंकि अब तो फॉर्म वाला काम खत्म हो गया, अब हम वर्क फ्लो पे बात करेंगे, तो थोड़े बहुत वर्क फ्लो आ जाएंगे तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, तो आज पहले एक बार इतना वर्क फ्लो करके देख लो कि वर्क फ्लो बनते कैसे हैं, कहाँ कहाँ हम क्लिक करते हैं। ठीक है ना, फिर इसके आगे, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ओके।